इजरायली सेना ने कहा है कि लेबनान से बढ़ते ड्रोन हमलों से निपटने के लिए उसने एक नई बटालियन की स्थापना की है, जो पूरी तरह से देश की आयरन डोम हवाई रक्षा प्रणाली के संचालन पर केंद्रित है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF ने सोमवार को एक बयान में कहा कि बटालियन की स्थापना से आयरन डोम बैटरियों की तैनाती बढ़ेगी और इजरायल की हवाई रक्षा बेहतर होगी। सेना ने कहा कि एरियल डिफेंस एरे 24 घंटे हाई अलर्ट पर है। रॉकेट जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों जैसे हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए पूरे इसराइल में इनकी तैनाती की गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसराइल पर लेबनान की तरफ से ड्रोन हमलों में तेजी आई है, जो कभी कभी अपने छोटे आकार तथा सीमा से निकटता के कारण इसराइली रडार से बच जाते हैं। इससे पहले सोमवार को लेबनान से लॉन्च किए गए 4 ड्रोन इसराइली नियंत्रण वाले क्षेत्र में गिरे। 2 पश्चिमी गलीली में और 2 इसराइल द्वारा कब्जा किए गए गोलान हाइट्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सेना ने कहा कि ड्रोन की ओर इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च की गई थी, लेकिन निशाना चूक गया। इसराइल के राष्ट्रीय अग्निशमन और बचाव प्राधिकरण ने कहा कि ड्रोन के कारण कई स्थानों पर आग लग गई। पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के समर्थन में लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्ला ने इसराइल की तरफ कई रॉकेट दागे थे। उसके बाद 8 अक्टूबर 2023 को लेबनान इसराइल सीमा पर तनाव बढ़ गया। इसराइली सेना के आंकड़ों के अनुसार गाजा संघर्ष की शुरुआत के बाद से सेना ने कई मोर्चों से देश की ओर आने वाले 150 ड्रोनों को रोका है।